महत्वाकांक्षी परियोजना है, उनकी योजना है कि रांची को सीधे सीधे वाराणसी से जोड़ा जाए, गढ़वा होते हुए वाराणसी को जोड़ा जाए, यह सड़क जो रांची से होकर निकलेगी। अब ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। अपनी बुलंद आवाज से दूसरों की दबी आवाज को मजबूती देने वाले और पत्रकारिता के प्रति एक जुनून रखने वाले रांची के संजीदा पत्रकार आकाश भार्गव जिंदगी की जंग हार गए। लगभग एक महीने से दिल्ली में गंभीर बीमारी का इलाज करवा रहे पत्रकार आकाश भार्गव जर्नलिज्म की पिच पर फिर से नई पारी खेलने की चाहत रखकर जल्दी फील्ड पर लौटना तो चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पत्रकार आकाश भार्गव के निधन के समाचार से मीडिया जगत ही नहीं बल्कि समाज और सरकारी महकमे में भी शोक की लहर है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पत्रकार आकाश भार्गव के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। समाचार प्लस न्यूज चैनल परिवार की तरफ से भी युवा पत्रकार आकाश भार्गव को विनम्र श्रद्धांजलि। आकाश भार्गव की कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन अपनी पत्रकारिता, अपने शांत और मिलनसार स्वभाव के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अपनी जीवंत पत्रकारिता के लिए वो हमेशा जीवित रहेंगे। इसी कामना और आशा के साथ हम अपने साथी को अंतिम विदाई देते हैं। भगवान अपने चरणों में उन्हें स्थान दे, उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को पहाड़ जैसे इस दुख को सहने की शक्ति दे। अलविदा, अलविदा। तो आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। कैमरा पर्सन सुशील के साथ आकाश भार्गव। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।